नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोगों को टीवी देखना पसंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे टीवी चल रही है। तो अब जो है तरह तरह की टीवी आने लगी हैं, LCD, LED, स्मार्ट टीवी, तो कई तरह की टीवियाँ आने लगी हैं। और जो है 90 की दशक में जो टीवी चलती थी वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, ये 90 की दशक की टीवी है और इसमें जो है ये ऊपर वैल्यूम बटन ऑन ऑफ भी इसी से होता है, और इससे जो है कंट्रास्ट कम ज़्यादा किया जाता था। और नीचे वाला जो स्विच है ये ब्राइट करने के लिए दिया गया है, और यहाँ से चैनल चेंज करते थे कुछ इस तरह से। और ये उसके ऊपर एक लगा हुआ है, इससे जो है मिलाते थे चैनल जब मिल जाता था। तो हम सभी लोगों को टीवी देखना काफ़ी दिनों से पसंद है। तो इस टीवी में होता था एक पिक्चर ट्यूब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो इस पिक्चर ट्यूब पे जो है पिक्चर आती थी जो भी हम देखते थे। तो आज हम इस पिक्चर ट्यूब को आपको तोड़ के दिखाने जा रहे हैं कि इस पिक्चर ट्यूब में आखिर होता क्या है, क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से ये हमारा डिस्प्ले चलता है। तो इस टीवी को हम तोड़ के, खोल के, तोड़ के दिखाएंगे आपको कि इस पिक्चर ट्यूब के अंदर क्या है। तो गाइस, ये जो है 90 की दशक की टीवी है, तो इसको जो है खोलेंगे और खोल के इसका पिक्चर ट्यूब निकालेंगे और पिक्चर ट्यूब को जो है तोड़ के आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और खोल के फिर पिक्चर ट्यूब को निकालते हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर ट्यूब जो है होता है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसमें एक ये वायर लगा रहता है और यहाँ से इसमें वायर कनेक्ट होता है और यहाँ पे हमारी पिक्चर आती है। तो कुछ इस तरह से पिक्चर ट्यूब होता है और इसके अंदर एक गैस फिल रहती है और यहाँ से इसमें करंट जाता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं और तोड़ के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है जिससे कि ये हमारी फिल्म चलती है, पिक्चर चलती है इसके ऊपर। तो इसको आज हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने से पहले गाइस, सेफ्टी फर्स्ट। तो गाइस, हमने सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा लिया है और चश्मा भी लगा लिया है। तो अब इसको तोड़ेंगे। तो गाइस, आपको केवल देखना है, आप कुछ ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे एक जो है इसका पॉइंट दिया है, इसमें एक गैस रहती है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है तो उसको प्लायर की मदद से तोड़ेंगे, तो इसमें जो भी गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी और फिर उसके बाद में इसको तोड़ते हैं। तो ये गाइस आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि एक गैस इसमें बाहर निकली है, उसकी आवाज़ आपको आई होगी। तो ये ऊपर का छोटा सा एक पॉइंट था, उसको हमने तोड़ा तो इसमें जो गैस थी वो सारी गैस बाहर निकल गई है। उसके बाद में अब इसको हम तोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो गाइस, तोड़ने के लिए एक हमने हथौड़ा ले लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा ग्लास है और इसके अंदर क्या चीज़ है वो नहीं पता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। ओहो, तो गैस हमने गैस पहले निकाल दी थी इसलिए, क्योंकि अगर गैस नहीं निकालते तो इस पे जब हम हथौड़ा मारते तो हो सकता था कि कोई बड़ा सा ब्लास्ट टाइप का हो सकता था या और कोई दिक्कत हो सकती थी। इसलिए हमने जो है सबसे पहले इसकी गैस निकाली है और उसके बाद में इसको हथौड़े की मदद से तोड़ा है। और तोड़ने के बाद गैस आप देखिए
कि इसमें क्या चीज़ दिख रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके अंदर है, सिल्वर कलर से, ये पूरा अंदर का सिल्वर कलर से है और इसके अंदर कोई चीज़ है नहीं, केवल ये एक बॉक्स टाइप का बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर का पार्ट था जो इसके ऊपर लगा हुआ था, और इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है। एक वायर जो बाहर से साइड में लगा हुआ था उसके लिए यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट टाइप का दिया गया है, बाकी ये पूरा ग्लास जो है आप देख सकते हैं कितना मोटा है और अंदर का सिल्वर कलर से है, बाकी इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तो कुछ इस तरह से ये पिक्चर ट्यूब होता था और इसमें जो है पिक्चर आती थी, पिक्चर चलती थी। तो ये जो है हल्का सा इसमें स्क्रैच होने पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर से जो इसमें पेंट टाइप का है वो छूट रहा है। बाकी इस पिक्चर ट्यूब के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो सारा मैकेनिज्म इसमें है कहाँ से वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ से इसके पीछे जो पार्ट लगा हुआ था ये गाइस आप देख सकते हैं, इसके पीछे जो पार्ट लगा हुआ था यहाँ से इसमें पावर आती थी इस पिक्चर ट्यूब में। तो गाइस इसमें जो है पिक्चर चलती थी तो सारा सिस्टम इसका यहीं पीछे से होता था, ये जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे इसमें पावर्स के लिए इसमें प्लग लगता था यहाँ पे पीछे। तो ये जो है यहीं से पिक्चर जो है आगे फोकस होती थी इसमें। तो ये केवल ग्लास है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये फोकस यहाँ पे डालता था और इसमें पिक्चर चलती थी। तो गाइस अभी जो टीवी आ रही हैं उसमें पिक्चर ट्यूब नहीं होता है, एलईडी, एलसीडी टीवी, स्मार्ट टीवी आने लगी हैं। तो 90 की दशक में जो टीवी थी उसमें आपको हमने दिखाया कि इसके पिक्चर ट्यूब में क्या होता है, तो अंदर कुछ भी नहीं है जैसा कि आपने देखा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।